नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। विकासखंड सकरन थाना क्षेत्र रेउसा के ग्राम भैसा के प्रधान शिवनाथ यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगभग 17 दिन बीत जाने के उपरांत पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने से क्षुब्ध होकर आज उप जिलाधिकारी कार्यालय बिसवा में पीड़ित परिवार, जिसमें मृतक की पत्नी, दो नाबालिग बच्चे, चाचा व भाई सहित सैकड़ों की तादाद में समर्थक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इनके समर्थन में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आशीष गुप्ता सहित पीड़ित परिवार में मृतक का भाई राजकिशोर, पत्नी शिवकली, बच्चे सुदीप और उपेंद्र सहित सैकड़ों समर्थक कड़ाके की ठंड में भी धरने पर बैठे रहे। अभी तक पुलिस दरवाजे नहीं गई है, पुलिस जाती हॉर्न बजाती दूर से बदमाशों भग जाते हैं। नहीं तो क्या घूम रहे हैं ऐसे? वो घूम रहे हैं सर, ऐसे गांव में ऐसे घूम रहे हैं। कल हमारे व्यवहारी को, रिश्तेदार को मिल गया सोलिया गाँव में, उनका लड़का, तो कहा लगा तुमको खांद कर बहा दूंगा। सच नहीं मिल जाते, तब तक उस पर अग्रिम कार्रवाई करना उचित नहीं है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो नामजद है उनकी अरेस्ट करके और उसे पूछताछ करके वास्तविक क्या स्थिति है, और अपने स्तर से जो हमारे व्यवस्था है उस स्तर से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं।